हेलो फ्रेंड्स, बिजी प्रिंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोंद की रैप, जो बहुत ही टेस्टी भी होती है और शरीर के लिए हेल्दी भी होती है, और उसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गोंद की रैप। बिजी प्रिंस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। गोंद की रैप बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, वो यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गोंद की रैप बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, बादाम, नारियल का चूरा और काजू, गोंद, गंठोड़ा पाउडर, इलायची पाउडर, सौंठ पाउडर और खसखस। हमने ड्राई फ्रूट्स को यहाँ क्रश कर लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून घी गरम कर देंगे। घी गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून गोंद। मीडियम फ्लेम पर इसे हम चलाते रहेंगे। 1 से 2 मिनट में गोंद हमारा फूल जाएगा। गोंद हमारा फूल गया है, अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसे हलाते रहेंगे जब तक हमारा गोंद इसमें पिघल ना जाए। गोंद हमारा अच्छे से पिघल गया है। इस समय हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ गुड़। इसे भी हम पानी में घुलने देंगे। चुस्ती और तंदुरुस्ती प्रदान करने में ये गोंद की रैप बहुत ही उपयोगी है। गुड़ पिघलने के बाद हम इसमें सौंठ पाउडर और गंठोड़ा पाउडर डालेंगे। इसमें खसखस, क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स और नारियल का बूरा डालेंगे। लास्ट में हम डालेंगे इलायची पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक इसे चलाते रहेंगे। गोंद की रैप हम व्रत या उपवास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरे दिन एनर्जी बनाए रखते हैं और चुस्ती और तंदुरुस्ती भी देती है। गोंद की रैप हमारी धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है। बहुत ही कम समय में गोंद की रैप हमारी बनकर रेडी हो जाती है और घर पर इसे आसानी से बनाया भी जा सकता है। सर्दी के दिनों में ये बहुत ही लाभकारी है। हमारी गोंद की रैप तैयार हो चुकी है। हम गैस बंद कर देंगे। इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। इन सर्दियों की सीजन में आप भी घर पर बनाएं गोंद की रैप। अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बिजी प्रिंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अपने अभिप्राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।